introducing today's resource person. I request everyone to disable their videos, and also that we would have a question and answer session at the end of the program, in which the participants will type the questions. आपके कॉलेज विजिट किया था और कुछ फैकल्टी से मुलाकात की थी, कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला था, लेकिन यकीनन आज मैं समझता हूँ कि एक वाइडर व्यूअरशिप है हमारे पास, ज़्यादा साथी हमारे जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये मौका देने के लिए सिराजुद्दीन चोगले साहब और उनकी पूरी टीम और वो तमाम मेरे साथी असातिज़ा जो इसमें जुड़े रहे हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। आज जैसा हम सब वाकिफ हैं एक अरसे से कि कोरोना वायरस हमारे बीच में मौजूद है, और जैसे कि अब हम सब कहते भी हैं कि वी आर लर्निंग टू लिव विद इट। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि वायरस एक ऐसा स्पेशल क्रिएशन है परमात्मा का, कि जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होता है, और ये किसी जब लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है जिस्म में, तो रेप्लिकेट करने लगता है, यानी एक तरह से जिंदा हो जाता है, और जब जिस्म से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है। ये कोरोना वायरस भी एक ऐसे एक वायरस है, और ये उसी फैमिली का है जिससे हमें नज़ला वगैरह होता है। और हम सब जानते हैं कि वायरस जो है ऑलमोस्ट लाइलाज होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, चाहे वो नज़ला हो या पोलियो हो या एड्स हो, क्योंकि इसके लिए इफेक्टिव वैक्सीनेशन इसलिए मुमकिन नहीं है कि इसमें म्यूटेशंस बहुत होते हैं, यानी अपनी शक्ल ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, कोई एक शक्ल में नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया अगर एक है तो हम उसका वैक्सीन बना लेते हैं, तो इसलिए इसके वैक्सीन बनने बहुत मुश्किल होते हैं, और इफेक्टिविटी भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है कुल मिला के। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, कुछ स्लाइड्स हैं जिनकी मदद से मैं अपनी बात रखूंगा। ये एक छोटा सा चार्ट है जो हमें बताता है कोरोना वायरस के बारे में कि किस तरह से इसका ताल्लुक वायरस के उसी खानदान से है जिसमें हमारे ये सांस के मुतालिक बीमारियां हैं या नज़ला है, और इसके चारों तरफ जैसे यहाँ आप देखते हैं ये घुंडियां सी होती हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से इसको ये देखने में बिल्कुल एक ताज जैसा लगता है, इसलिए ये लैटिन वर्ड से कोरोना इसका नाम दिया गया, और इसी की वजह से इसकी स्टिकनेस होती है। फॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा वजन में ज्यादा है, यानी भारी वायरस है, इसलिए आसानी से हवा में नहीं रहता, लेकिन जिस आदमी के जिस्म में होता है उसके छींकने से, उसके म्यूकस से, उसकी छींक से ये बाहर निकलता है। जब भी हम बात करते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह से बहुत बारीक फुहार निकलती है, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स जो नैनो साइज के होते हैं, और इवन उसे छींकने में नहीं बल्कि बात करने में भी, क्योंकि अगर आप माइक्रो फोटोग्राफी करें और नेट पे अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे फोटोग्राफ्स, जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बारीक धुंध सी नैनो पार्टिकल्स की, नैनो ड्रॉपलेट्स की हमारे चारों तरफ होती है, और जिसको दूसरा भी ले सकता है, और अगर उसमें कोई वायरस मौजूद है तो वो हमारी वो ड्रॉपलेट्स जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो गिर जाएगा, चिपक जाएगा, और ये कोरोना वायरस के साथ भी यही होता है। इसीलिए एक बड़ी एहतियात जो है, मैंने इस वक्त मास्क इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूँ, ये मेरी स्टडी है और यहाँ कोई नहीं होता, वरना जब भी मैं किसी दूसरे के पास, अपने फैमिली मेम्बर के पास भी जाता हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टेड दैट आई मस्ट वियर अ मास्क, ताकि मेरा जो ये ड्रॉपलेट्स हैं ये किसी दूसरे तक ना जाए। क्योंकि देखिए, नज़ले में जैसा मैंने जिक्र किया था कि ये नज़ले जैसा ही वायरस है, लेकिन फ़र्क क्या है कि नज़ला जैसे किसी को होता है उसके सिम्टम उसे बता देते हैं कि छींकें आती हैं, नाक बहती है, और उसमें जो समझदार लोग होते हैं वो फैमिली में अलग हो जाते हैं, अपना
टॉवल और बेड और पानी का बर्तन वगैरह अलग कर लेते हैं भाई हमें नजला हो रहा है, किसी दूसरे को ना लगे। और अगर ये एहतियात ना की जाए तो घर में अगर एक आदमी को नजला हो तो सबको हो जाता है और वो अपना साइकिल पूरा करके वो वायरस चला जाता है बॉडी में। साइकिल उसका कोई 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन ये अब साइकिल होते हैं चले जाते हैं उसके बाद से। कोरोना वायरस के साथ क्या है कि अगर ये जिस्म में जाता है तो कोई सिम्टम फौरी नहीं होता इसका, यूजुअली 14 दिन बाद और कुछ कुछ इसकी फॉर्म्स में 28 दिन तक देखा गया है इसके सिम्टम्स आते हैं, जिसमें गले में तकलीफ है, शदीद बुखार है, सांस लेने में दुश्वारी है, क्योंकि वजह यह है कि ये हलक में आता है और उसके बाद अगर नीचे उतरे तो लंग्स में चला जाता है और लंग्स में हमारे जो थैलियाँ होती हैं गैस एक्सचेंज के लिए जिनको हम एल्वियोलस या एल्वियोलाई कहते हैं, उन एल्वियोलाई में ये अटैच कर लेता है और उसके बाद फिर ये सेल को डिसइंटीग्रेट करता है। जैसा है आप तस्वीर में भी देखते हैं, ये एक स्केच है खाली, इट्स नॉट अ रियल पिक्चर, कि वायरस इसमें जाने के बाद, इस वायरस में बात ये होती है कि ये सेल के जेनेटिक मटेरियल को आरएनए या डीएनए को, इस केस में आरएनए को, सेल के आरएनए को यूज करके अपना आरएनए बनाता है, यानी सेल की मशीनरी को ये कैप्चर कर लेता है और उससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल अपना आरएनए बनवाता है, अपना प्रोटीन बनवाता है और उसके बाद ये वायरस जैसा आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे बन जाते हैं, सेल को रप्चर कर देते हैं, सेल मर जाता है और वायरस इस तरह दूसरे सेल्स पे जाते हैं तो वो एल्वियोलाई जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है और लंग्स की कैपेसिटी कम होती है जिससे सांस फूलता है। सांस जब फूलता है तो उसका मतलब है ये अवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, इसलिए ब्रीदिंग तेज हो जाती है, उसको हम सांस फूलना कहते हैं। अगर ऑक्सीजन पूरी ना मिले तो सबसे पहले ब्रेन इफेक्टेड होता है, लंग्स में इस इन्फेक्शन की वजह से सांस की कमी होती है इसीलिए ऑक्सीजन दी जाती है और फिर अगर लंग्स और बेकार होने लगते हैं तो वेंटिलेटर के सपोर्ट देके कोशिश की जाती है कि लंग्स को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए अमूमन वेंटिलेटर पे जाने के बाद हार्डली 2-4% लोग वापस आते हैं, अदरवाइज दे कोलैप्स। तो चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है और ये एक दूसरे के म्यूकस से मेनली फैलता है, तो होता क्या है कि वायरस जब आपने छींके या आप बोल रहे हैं तो आपके टेबल पे, दरवाजों के हैंडल्स पे, कहीं पे भी जैसे यहाँ दिखाई भी जा रहा है, और वो वायरस वहाँ पे है और इसका जो एक्टिविटी पीरियड है जिसमें एक्टिव रहता है ये वेरी करता है। सबसे ज़्यादा ये प्लास्टिक और मेटल्स पे तकरीबन 72 घंटे तक एक्टिव रहता है। तो अगर डोर हैंडल पे और किसी ने उसको छुआ तो उसके हाथ पे आ जाएगा और उस हाथ से उसने नाक में अपने उंगली डाली या आँख मली या मुँह में लिया हाथ, तो वो उसको बॉडी में जाके अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, जिसकी बॉडी में वायरस जाता है उसके यहाँ जैसे मैंने कहा वो साइलेंट रहता है, तो इस बीच में उसके म्यूकस से 200 तक भी वायरस पहुंच सकता है और जो कैरियर है ओरिजिनली जिसके यहाँ ये था, हो सकता है उसको बीमार डाले या ना डाले, डिपेंड करता है। इसीलिए ये एहतियात और दूसरी अहम बताई जाती है कि आप हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर यूज करें। सैनिटाइजर्स अल्कोहल बेस्ड होते हैं इसलिए ये इसको ख़त्म कर देते हैं। साबुन का इस्तेमाल जो है वो इसको धो देता है क्योंकि इसके ऊपर जो लिपिड लेयर होती है उससे ये वॉश ऑफ हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए जिस तरह हाथ धोना ज़रूरी है उस तरह हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ यही कोरोना वायरस ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बीमारी लाता है, ख़ासतौर से अब जैसे मानसून आ रहा है, महाराष्ट्र में तो शुरू भी हो चुका है, तो बारिशों के साथ जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बैक्टीरिया भी एक्टिव होते हैं, फंगस भी एक्टिव होता है, तो हमें ख्याल रखना है। क्योंकि जब आप सैनिटाइजर या साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपके हाथों पे ड्राइनेस आने लगती है, खुश्की आने लगती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप वैसलीन या कोई अच्छा तेल इस्तेमाल करें। आई विल नॉट रिकमेंड लोशंस जो होते हैं, बॉडी लोशंस वगैरह, बिकॉज दे कंटेन लॉट ऑफ केमिकल्स अननेसेसरीली। देखिए वी शुड नॉट एक्सपोज अवर बॉडी और स्किन पर्टिकुलरली टू एनी केमिकल्स, क्योंकि ये सब केमिकल्स जो हैं हार्मफुल होते हैं। कोई केमिकल, क्योंकि यहाँ जो बेसिक चीज इस्तेमाल होती है वो ये होती है कि ऑल थिंग्स आर सेफ अनलेस दे आर प्रूव दैट दे आर हार्मफुल, इस एजम्पशन पे ये पूरी इंडस्ट्री चलती है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बेस्ट थिंग वैसलीन है या ऑयल है जो भी आप इस्तेमाल करते हो, सरसों का कड़वा तेल है, नारियल का तेल है, वो इलाके के हिसाब से, जैसे नॉर्थ में सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो साउथ में कोकोनट ऑयल है, या जो भी तेल आप इस्तेमाल करें, हाथों पे आपके और बॉडी पे चिकनाई रहेगी तो फंगस इन्फेक्शन नहीं होता। और ये बरसात में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हीट एंड ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया, फंगस ये सब ग्रो करते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। जैसा यहाँ जिक्र आया था कि एक मैगजीन
अल्लाह ताला मेरे हाथों निकलवा रहा है साइंस के नाम से, मंथली मैगजीन है और उसको अब 27 साल हो रहे हैं। मैं अपने ही आप इसका काम करता हूँ, घर से निकालता हूँ, मेरा कोई ऑफिस या कुछ नहीं, दैट्स हाउ आई कैरी इट ऑन। तो ये मैगजीन जो है, ये इसका जो हमारा इशू आया था, इसमें हमने कोरोना वायरस पे टाइटल स्टोरी डाली थी। उसके बाद नेक्स्ट इशू जो था उसमें हमने विटामिन सी को लिया था, इसकी बात मैं आगे करूंगा। और उसके बाद जो करंट इशू है हमारा, वो हैंड सैनिटाइजर और साबुन पे है। ये मैगजीन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हम इसे प्रिंट नहीं करा पा रहे थे, तो हमने इसे वेबसाइट पे डाला है, वेब पे ही अवेलेबल है। और इसमें एक एकेडेमिया करके साइट है, एकेडेमिया एड्यूज, इसमें मेरा अकाउंट है डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज, इसको आप पहुंचेंगे तो यहाँ ये मैगजीन्स के सारे इश्यूज मिलेंगे। और ये फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई सब्सक्राइबर है या नहीं है, और PDF है, डाउनलोडेबल है, यहाँ से आप इस मैगजीन को देख सकते हैं। अब अगली बात हम ये करेंगे, पहला हमारा पार्ट ये था कि हम किस तरह से अपने आप को बचाएंगे इस वायरस से। मास्क लगाएंगे, ज्यादा इंटरमिंगल नहीं करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, और घर में भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हाथ धोते रहेंगे, बाहर गए हैं तो आके अच्छा है कि नहा लें और कपड़े बदल लें। लेकिन इसमें बहुत अहम बात यह है कि ये सिर्फ इस प्रिकॉशन है, हमें पैनिक ही नहीं होना, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना, क्योंकि इससे ज्यादा डेडली डिजीज हमारे चारों तरफ है। और मैं उसमें सबसे पहले नाम लूंगा ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी। टीबी हमारे आज भी इतनी प्रेवेलेंट है कि कोरोना से कहीं ज्यादा डेली लोग, उसका डाटा अगर आप नेट पे चाहे मिल जाएगा, आपको हैरत होगी कि हर 4 मिनट में एक आदमी टीबी से मरता है हमारे मुल्क में। और ये टीबी हवा से फैलती है, लेकिन हम लोग मुस्तकिल तो अपने आप को कवर करें नहीं फैलते, एक्सपोजर पीरियड से भी फर्क होता है। लेकिन देखिए, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिन बर्तनों में खाना खा रहे हैं, जिन चीजों को खा रहे हैं, इन सबको अगर आप देखें उस वेवलेंथ में जहां बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल होते हैं, तो ये सारी चीजें माइक्रोब से, जिनको हम जर्म्स कहते हैं, उनसे लिपटी हुई होती हैं बिल्कुल। और उनसे हम सरवाइव करते हैं, यानी जब भी हम खाना खा रहे हैं, तो जो आपने मान लीजिए एक फल खाया, आपने सेब खाया, तो वो सेब तो आपको दिख रहा है आपने खाया, लेकिन उस सेब से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके चारों तरफ लिपटे हुए हैं, जिसको हम साथ खाते हैं, लेकिन वो हमें बीमार नहीं डालते हमेशा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है जो परमात्मा ने, ईश्वर ने, क्रिएटर ने हमें दिया है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, ये हमारे जिस्म से में मुस्तकिल बीमारियों से और उन जर्म से लड़ती रहती है। बॉडी में बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, ये खाल भी है जो पूरे जिस्म को कवर कर रहती है, प्रोटेक्शन है, और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें इम्यूनिटी बड़ी अहम चीज है। और ये बात आपने बहुत सुनी होगी, आजकल चर्चा हो रही है कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए अपनी, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल जहाँ पे है विटामिन सी का है, जो हमारे पिछले महीने की टाइटल स्टोरी भी थी। विटामिन सी हमें हर खट्टे फल में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस खानदान के हैं, संतरा है, मौसमी है, लीमू है, तो जितना भी ये खट्टा है, ये आंवला भी है इसी में। विटामिन सी के सोर्सेज में हरी मिर्च भी है, हरी मिर्च बहुत मुफीद होती है, और खासतौर से जैसा भी ये रेनी सीजन है, तो इसमें सलाद में हरी मिर्च जो खा सकें, जिनको आदत हो, नहीं हो तो डाल लीजिए, क्योंकि लाल मिर्च का दूसरा इफेक्ट है, लेकिन ये मिर्च हमारे लिए, हरी मिर्च बहुत जरूरी है, सलाद का हिस्सा होनी चाहिए। तो ये विटामिन सी हमें काफी स्ट्रेंथ देता है, और आमतौर से भी आप देखते होंगे कि नज़ले वगैरह में विटामिन सी लेते हैं हम। अगर आप ये खट्टे फल नहीं खा सकते हैं, कहीं अवेलेबल नहीं है, तो विटामिन सी की 500 mg की एक टैबलेट रोज ले सकते हैं आप, या चूसने वाली सक्सी या लिमसी के नाम से विटामिन सी टैबलेट्स आती है, उन्हें चूस सकते हैं। कोशिश कीजिए कि विटामिन सप्लीमेंट्स और मिनरल्स के हमारे लिए मुस्तकिल रहें। और ये मैं आपसे अर्ज करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी इस ऑडियंस में आज और व्यूअर्स में मेजोरिटी यंगस्टर्स की हो सकती है, और यंगस्टर्स ये हमारे आजकल के जो फूड हैबिट्स हैं वो बड़ी अजीब और चेंज हुई है। ये फास्ट फूड्स और ये जो रिच फूड्स हैं, इसमें यूजुअली ये चीज़ें कम होती हैं, इस पर मैं थोड़ी सी और आगे बात करूँगा। दूसरी चीज़ जो इससे बड़ी रिलेटेड है, और वो हिंदुस्तान में तो बहुत आम है, क्योंकि हम सब लोग स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस बड़ी ज़रूरी है। आजकल जब आप अपने यहाँ खाना बनाएं, तो उसमें जस्ट एनश्योर
कि लौंग भी पढ़नी चाहिए, काली मिर्च भी पढ़नी चाहिए, दारचीनी जो सिनामोन है वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये स्पाइसेस जो है, लहसुन भी हो, प्याज भी हो, इलायची भी हो, छोटी इलायची भी, बड़ी इलायची भी, कार्डमम जो है, और हल्दी का बहुत इस्तेमाल जेनरस होना चाहिए, जिंजर का है, पुदीना है, ये जो स्पाइसेस हैं, और इमली है, इमली इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सूखी इमली, अमचूर भी आता है, अमचूर पाउडर भी आता है। आप स्पाइसी खाना बनाइए, उसमें चाहे मिर्च कम रखें, बल्कि काली मिर्च और लौंग और दालचीनी आप डालेंगे तो उससे भी, और अदरक, इससे अच्छी खासी मिर्च जनरेट हो जाती है, टेस्ट आ जाता है। ये स्पाइसेस हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती है। तो हमारी हेल्थ के लिए बेसिकली एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पानी है, प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी जितना ज्यादा पिए अच्छा है, बॉडी वॉश होती है, और हमारे सारे केमिकल्स, हम जानते हैं जो लोग केमिस्ट्री के हैं कि ड्राई कंडीशन में कुछ नहीं होता, यू ऑलवेज नीड, एनहाइड्रस स्टेट में लाइफ भी पूरी रुक जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बीज के अंदर जो छोटा सा एम्ब्रियो होता है, वो बीज ड्राई रहता है तो एकदम चुप पड़ा रहता है, जैसे उसको सॉइल में डालते हैं, पानी मिलता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो वाटर इज लाइफ, लाइफ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी ग्रोथ रोकने के लिए चीजों को ड्राई किया जाता है, इसलिए किसान जो है वो अपने बीज को एकदम सूखा रखता है, जो उसको बुआई के लिए इस्तेमाल करना होता है, सोइंग के लिए इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि पानी आते ही उसमें ग्रोथ शुरू होती है। तो ये चीजें, हमें पानी खूब लेना चाहिए। दूसरे, रॉ वेजिटेबल्स यानी सलाद जिसको हम कहते हैं, क्योंकि देखिए अब आजकल के लाइफ स्टाइल कुछ हो गए, कुछ हमने बना लिए, क्योंकि मेरी लाइफ है तो मेरा अपना स्टाइल होना चाहिए, वाई शुड आई फॉलो अदर्स, और मेरा स्टाइल वो होनी चाहिए, मेरा डाइट वो होनी चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, और वो बेनिफिशियल वो है जो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, डैमेज ना करे। आज हमारी फूड में बड़े कंपोनेंट्स उन चीजों के हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, फास्ट फूड्स आर हार्मफुल, और जितने स्टार्च बेस्ड फूड होते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता, रॉ ग्रेन, कोर्स ग्रेन नहीं होता, वो स्टिकी होते हैं, इंस्टेंट इंटेस्टाइन में स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं। इसीलिए जिन कंट्रीज में ये मैगीज और इस तरह की चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, नूडल्स टाइप की या पास्ता, उनके यहाँ कोलन कैंसर की इंसिडेंस बहुत हाई है। ये डाटा मौजूद है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। हम लोग अगर रोटी खाते हैं और उस आटे की खाते हैं जिसपे छिलका मौजूद है, भूसी मौजूद है, वो हल्का सा सुर्ख आटा होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बहुत यूजफुल होता है इंटेस्टाइन और डाइजेशन के लिए। जितना आटा वाइट होगा और उसमें से वो जो छिलका होता है बारीक वो निकल जाएगा, वो नुकसानदेह होता है, बहुत अच्छा हेल्दी नहीं होता। तो सैलेड्स खानी चाहिए मौसम के हिसाब से, और स्पाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये फूड्स जो हैं ये हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज है जो हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। पहले ये चीज बिल्कुल स्पिरिचुअल रैम में थी, या इसको लोग पैरासाइंस कहा करते थे, वो ये है कि योर थॉट प्रोसेस, व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू, इसका असर, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसका असर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। और 70s से तो ये पूरी एक डेवलप्ड साइंस है जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी या PNI कहा जाता है, एक जमाने में इसको स्यूडो साइंस कहा जाता था, लेकिन आज चीजें इतनी बदल चुकी हैं कि आज लोग इसको मानने लगे हैं कि जो आप सोचते हैं, क्योंकि हर चीज ब्रेन से कंट्रोल होती है, और ब्रेन के सिग्नल्स जो हैं ये बहुत ही लो इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिकल चार्जेस और आयनिक मूवमेंट से और आयंस के मूवमेंट से कंट्रोल। इम्यून सिस्टम्स भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो लोग थोड़ी सी भी केमिस्ट्री जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एनवायरनमेंट में जिस तरह के चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिकल या आयनिक, उससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और शेप चेंज होते हैं, उनके अटैचमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इनफैक्ट ए मॉलिक्यूल इज इन ए पर्टिकुलर शेप डिपेंडिंग ऑन इट्स एनवायरनमेंट, के चारों तरफ के चार्जेस कैसे हैं। तो जब थॉट प्रोसेस से आयनिक बैलेंस चेंज होते हैं, फाइन इलेक्ट्रिकल माइक्रो इलेक्ट्रिकल चार्जेस चेंज होते हैं, तो वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। और एक बात आज ये एस्टेब्लिश है कि नेगेटिव थॉट्स रखने से हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ती है। यानी जो लोग बुरा सोचते हैं,
बुरा बोलते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, हसद करते हैं, जलन करते हैं, एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस की फीलिंग में हमेशा रहते हैं, दूसरे के कुरेद में लगे रहते हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग पीपल व्हाट ही इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग, कौन किससे मिल रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये ऐसे सिचुएशंस में तो बहुत होता है कि हेड के पास कौन जा रहा है, किसने क्या कहा, इसको हम अपनी सर्वाइवल पॉलिटिक्स समझते हैं कि वी आर मैनेजर ऑफ आवर अफेयर्स, हम देखते हैं इक्वेशंस मेंटेन करते हैं, इसमें वी जनरेट लॉट ऑफ नेगेटिविटी और उसमें हम बहुत कम पूरे सिंसेरिटी के साथ और मोहब्बत के साथ लोगों से मिलते हैं. वी ऑलवेज हैव इक्वेशंस विद पीपल फॉर पीपल इवन विद इन द फैमिली. मैं कभी कभी अपने पार्टनर से भी थोड़ा सा पुल बैक फील करता हूँ कि नहीं यार इसने ठीक अच्छा नहीं किया, गुस्सा मुझे आ जाता है कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया, फिर मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ. ये सब चीज़ें अंदर से मुझे डैमेज करती हैं स्पिरिचुअली एज वेल एज हेल्थ वाइज. तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि हम ये तय कर लें कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अच्छा करना है. यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रिलीजन का आ जाता है, धर्म का. ये धर्म वो नहीं जिसकी पॉलिटिक्स आजकल होती है, जिसकी बेसिस पे एक आदमी दूसरे को मारता है क्योंकि मेरे धर्म अलग है. जो धर्मी होगा वो धार्मिक होगा और धर्म को मानने वाला होगा, वो तो किसी जानवर पे भी हाथ नहीं उठाएगा, चींटी भी नहीं मारेगा, इंसान को मारना तो दूर की बात है. ये अधर्म के डिपिक्शंस हैं जो धर्म के नाम पे होते हैं, और वो धर्म कोई भी हो सकता है, वो इस्लाम भी हो सकता है, बुद्धिज्म भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी भी हो सकता है, हिंदुइज्म भी हो सकता है, क्योंकि इन चारों धर्मों के सो कॉल्ड धार्मिक प्रचारों ने और धर्म के मानने वालों ने बहुत कुछ यानी अंधकार मचाए हैं और आज भी हमें देखने को मिलते हैं ये मौके. तो जो सच्चा धर्म है, जो इंसान को परमात्मा से, गॉड से, ईश्वर से, ब्रह्मा से, जो भी जिस तरह भी आप क्रिएटर को पुकारें, कनेक्ट करता है, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करता. उसकी वजह यह है कि गॉड इज मर्सीफुल, वो हम सब दया और दयालु है, बहुत दया करता है, रहम करता है. तो वो कभी भी, देखिए आप किसी चीज से जब कनेक्ट होते हैं तो वही आपका सोर्स बन जाता है और वहां की सारी चीज आपके पास आती है, वही एनर्जी आपके पास आती है. तो जब वो अच्छा है और सब पे कृपा करता है, दया करता है, रहम करता है, रहीम है, रहमान है, तो उससे कनेक्टेड लोगों में ये चीजें नजर आएंगी, उनमें रहम होगा, रहीमी होगी, दया का जज्बा होगा, दयालु होंगे, दे विल बी डूइंग गुड टू अदर्स, जैसे परमात्मा सबके लिए अच्छा ही अच्छा करता है. तो ये चीजें जो है यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है, और इसमें हर धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अपने यहाँ अच्छे मैसेजेस लेके आए. हमारे यहाँ सबके साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते. हमने एक क्लर्जी पैदा कर लिया अपने लिए, आउटसोर्स कर दिया हमने अपना काम, और हम आप अपने पंडित जी से, मौलवी साहब से, या पास्टर से, अपने पोप से चर्च में पूछते हैं कि व्हाट शुड आई डू, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, एंड दे प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंकिंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक, दिस नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. तो मैं इस वक्त अपनी इस बात को, इम्यूनिटी को किस तरह डेवलप करने के लिए कुरान की तरफ बात करूंगा कि हाउ इट हेल्प्स अस. क्योंकि देखिए कुरान के ताल्लुक से मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ, जो ये पहली वर्स है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा, कि हमने सब इंसानों के लिए ये किताब नाजिल की है. वी हैव रिवील टू यू द बुक विद द ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ द होल मैनकाइंड. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक डिवाइन बुक का, जिसके साथ हमने सबसे पहले हेर फेर और गलती की है. और मैं ये बात कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आई हैव सेड इट, कि एक बहुत बड़ी गलती मुसलमानों ने ये की है कि दे हैव डिक्लेयर्ड इट दैट द कुरान इज देयर बुक. दिस इज रॉन्ग. कुरान पे बहुत बड़ा झूठ है, तोहमत है, ये इल्जाम है कुरान के ऊपर. कुरान नेवर सेज दैट दिस कुरान इज मेंट फॉर मुस्लिम्स, इट इज मेंट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, जैसे ही एक वर्स आपको बता रही है. तो हमने दो गुनाह किए हैं कुरान के साथ. पहले तो ये कि इसको अपनी बुक डिक्लेयर कर दिया, और उससे क्या होता है कि यू क्रिएट ए बायस, क्योंकि आजकल लोग, जैसे मैंने कहा, अपनी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, उसे दूसरे धर्म की ग्रंथ को क्या पढ़ेंगे,
कितने मुसलमान ने जिन्होंने गीता पढ़ी है या वेद पढ़ने की कोशिश की है, ट्रांसलेशन देखी है, तो लोग अपने अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ते तो दूसरे क्या पढ़ेंगे। तो जब हमने ये ठप्पा लगा दिया कि ये कुरान मुसलमानों की किताब है, तो नेचुरली किसी को पढ़ने का मन होगा, अगर हिंदू भाई को, तो वो वेद पढ़ने की कोशिश करेगा, गीता पढ़ेगा, वो कुरान के पास कहाँ जाएगा। हम अगर इसको ये कहते कि ये बुक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, हमारे बीच मौजूद है एंड इज फॉर एवरीबॉडी, तो सिनेरियो दूसरा होता। और दूसरा हमने इसके साथ अनर्थ ये किया, ए ग्रेट इनजस्टिस वी हैव डन टू दिस बुक, दैट 99% ऑफ मुस्लिम्स रीड इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि उन्हें अरबी नहीं आती है, लेकिन उसको से पढ़ के समझते हैं कि सवाब मिल रहा है और यकीनन मिलता भी होगा, तो फैसला वो करेगा जो फैसले के दिन होगा। लेकिन हम बिना समझे उसको पढ़ते हैं, अरबी हमें आती नहीं है, उसको पढ़ना हमने सीख लिया है। और ये प्रोसेस जो है, आई एम सरप्राइज, इज नेवर क्वेश्चन, एजुकेटेड लोग इस तरह की अनर्थ करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, नोबडी क्वेश्चंस कि व्हाई शुड आई रीड ए बुक विच आई डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाई शुड नॉट आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे क्यों ना पढ़ूं, समझ के पढ़ूं, मुझे अरबी नहीं आती, मैं ट्रांसलेशन पढ़ लूंगा, आई विल पिक अप इन इंग्लिश कुरान, हिंदी कुरान, मराठी कुरान, उर्दू कुरान, इन ऑल दीज लैंग्वेजेस इट हैज बीन ट्रांसलेटेड, हर जगह मौजूद है इसकी ट्रांसलेशन। लेकिन चूंकि हमने रिचुअलाइज कर दिया है चीजों को, कैजुअल अप्रोच दे दी है, और उस कैजुअल अप्रोच से हमने कुछ अपने सेट रिचुअल्स बना लिए हैं, जैसे इस्लाम में हमारे यहाँ क्या बन गए हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे, अभी रमजान का महीना आया था, 30 रोजे रख लेंगे, एंड वी अज्यूम दैट वी हैव डन जस्टिस, हम बहुत अच्छे दीनदार हो गए और हमारे लिए जन्नत पक्की है क्योंकि हम नमाज रोजे के पाबंद हैं। और ये कहा जाता है आम जबान में कि बड़े सौम सलात के पाबंद आदमी हैं, यकीनन सौम की और सलात की अहमियत है, ये हम पे फर्ज है, लेकिन क्या यही फर्ज है कुरान में? अभी मैं जो चीज़ें आपके सामने रखूंगा वो भी उतनी ही फर्ज है और उतनी अहम है। तो ये कुरान जो किताब सबके लिए है, और ये सबसे लेटेस्ट बुक हम जानते हैं, जितना मैं समझता हूँ चीज़ों को समझा हूँ, द ओल्डेस्ट डिवाइन बुक इज वेदास, क्योंकि हिस्ट्री भी ये बताती है सबसे पुराने ग्रंथ वेद थे जो ब्रह्म से आए हैं, और उसमें एक ही ब्रह्म की बात है, वही बात जो कुरान कहता है कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, बहुत कुछ सिमिलरिटीज है उनके बीच में। तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट एडिशन शायद वेदास थे और लेटेस्ट एंड द फाइनल वर्जन इज द कुरान। जिस एरिया में जो बुक भेजी जाती थी उसकी जबान में भेजी जाती थी, संस्कृत के इलाके में संस्कृत बोलने वाले सोसाइटी पे, समाज पे जो बुक आई थी वो संस्कृत में थी, वेदास हम के नाम जानते हैं, और अरबों के ऊपर जो किताब भेजी गई वो उनकी जबान में भेजी गई, इसलिए कुरान अरबिक लैंग्वेज में है। परमात्मा की जबान ऐसा नहीं है, संस्कृत और अरबिक है, सारी जबानें उसकी बनाई हुई हैं, वो हर चीज को समझता है, वो दिल की बात को समझता है, वो इशारों को समझता है, ही इज ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग, बल्कि ही भी एक बायस्ड लफ्ज इस्तेमाल करना क्योंकि उसका कोई जेंडर नहीं है, और ये बहरहाल चूंकि एक मर्द समाज रहा है इसलिए वो हर चीज को मर्द कर देता है, इसलिए उसको ही का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी कोई जेंडर नहीं है। बट द गॉड नोज एवरीथिंग, हर जबान को समझता है वो। तो अब देखिए कुरान की कुछ मैं वो टीचिंग्स लाऊंगा जिनको अमूमन हम नहीं समझते और वी डोंट फॉलो। इसमें बहुत छोटी सी पहली आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है, लकत करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत के लिए, तकरीम के लिए पैदा किया। इसका मतलब यह है, देखिए कुरान की सारी आयतें हमारे ऊपर फर्ज है, हर हुक्म फर्ज है, ये आयत हमें हुक्म देती है कि वी रेस्पेक्ट एवरीबडी, ये मैंडेटरी है, वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरीबडी, ऑल चिल्ड्रन ऑफ एडम, इट मींस ऑल ह्यूमैनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कास्ट का हो उसकी हमें इज्जत करनी है। और जब इंसान की हम इज्जत करते हैं तो उसके लाइक डिसलाइक की इज्जत करते हैं, उसके आस्था की, उसके फेथ की, उसके सिस्टम की, हर चीज की इज्जत। तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट। अच्छा, जब हर एक के लिए आप एक इज्जत का, एक सम्मान की भावना अंदर पैदा करते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट पॉजिटिविटी आई टेल यू। जब आप किसी को बेइज्जत करना ही नहीं चाहते तो आप उस पर तंज नहीं करेंगे, आप टॉन्ट नहीं करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे अननेसेसरीली, यू विल बी यू नो कोऑपरेटिव विद द पर्सन, हर एक के साथ आपका व्यवहार, आपका बर्ताव बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी भी मैंने आगे एग्जाम्पल्स दी है जो कुरान हमें सिखाता है। तो व्हेन यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, आप जरा सोच के देखिएगा कि जब मुझे किसी को बेइज्जत नहीं करना, मुझे हर एक को इज्जत देनी है, सम्मान देना है, अपने दिल में जगह देनी है, तो दिस इज द फाउंटेन हेड ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का, मजबूत सोच का ये मंबा है।
जहां से ये निकल के आती है, और ये कुरान का हुक्म है उसी तरह जिस तरह अकीम सलाता वातु सकाता है। ये ट्रेजडी है हमारे साथ कि हमने कुरान के कुछ अहकाम को पिक कर लिया है, दिस इज नथिंग बट चेरी पिकिंग। हमने कुछ चीजें पिक कर ली और उनको अपने ऊपर तारी कर लिया, फर्ज कर लिया, और उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड वी हैव फॉरगॉटन द एंटायर बुक। मिसाल के तौर पर इस आयत को हम भूले हुए हैं कि हमें हर एक की इज्जत करनी है। इसी से रिलेटेड दूसरी चीज जो मैसेज आपके सामने मैं रखूंगा कि कौल इबादी यकुलुल लती अहसन, मेरे बंदों से कह दो कि जबान से जब बात निकालें अच्छी निकालें। वेन एवर यू स्पीक, स्पीक बेस्ट ऑफ द स्पीच, हमेशा अच्छा बोलिए। और ये एब्सोल्यूट हुक्म है कुरान का, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई तुम्हें बहुत बुरा कहे तो तुम उससे बुरा कह दो, तुम्हारे माँ बाप को, फैमिली को बुरा कहे, तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहे, रसूल को बुरा कहे, उसको बुरा कह दो, नो कम वॉट में। हमें हुक्म नहीं है कि हम बुरा बोले, ये एब्सोल्यूट हुक्म है। और इसे मैं जो लोग कुरान को समझते हैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि कुरान में एक्सेप्शंस हैं। मिसाल तौर पे जहां हराम खाने के लिए मना किया गया है, हराम चीजों को खाने के लिए, वहां अगर जान बचाने की नौबत आ जाए और कुछ खाने के लिए ना हो और आप भूख से मर रहे हो, तो जो चीज हराम है उसे भी आप खा सकते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। कोई बगावत की अगर नियत ना हो तो ये जरूरी समझने का पॉइंट है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑर्डर कि कुछ भी कंडीशन हो हमें अच्छा बोलना है। जब आप हर एक से अच्छा बोलेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी, आप नेगेटिव नहीं हो सकते। ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, यानी दूसरे जो फेथ के लोग हैं उनकी जो भगवान है या जिनके साथ उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनको कभी बुरा मत कहिए। देखिए आज के सिनेरियो में जिस हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, इसमें हम जिस तरह अल्लाह ताला की इज्जत करते हैं उसी तरह श्रीराम की इज्जत करें, तमाम लोगों की, तमाम वो महान हस्तियां या भगवान जिनको कहते हैं उन सब की हमें रेस्पेक्ट करनी है। कुरान का हुक्म, उनको बुरा नहीं कहना, नेगेटिविटी का सोर्स खत्म। और एक पीसफुल सोसाइटी, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है, और ये हम पे फर्ज है, ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर। वी शुड नॉट यूज बैड वर्ड्स और एनीथिंग, क्योंकि बात वही है ना कि जुड़ा हुआ कहाँ है कि हमें हर आदमी की इज्जत करनी है। When we respect somebody, जैसा मैंने आपसे कहा, we respect his faith, his likes, his dislikes. हर चीज को हमें इज्जत करनी है, ये कुरान का हुक्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि कुरान को हम समझ के नहीं पढ़ते, हमने उसे बंद करके रखा हुआ है, इसीलिए हम टोटली, मैं आपको बताऊं, नेगेटिव सोसाइटी में रहते हैं। बचपन से बच्चा घर में नेगेटिव चीजें देखता है, जोड़ तोड़ की बातें, खानदान के झगड़े, मामा आया था ये कहा, बुआ ने ये कहा, पुप्पी ने ये कहा, घर में यही बातें होती रहती हैं, हर एक के लिए हेटरेट की, नफरत की, पलटवार की जिसको कहते हैं, इंतकाम की, कोहरेंस की, मोहब्बत की, खिदमत की, सर्विस की, सेवा की बातें कहाँ घरों में होती हैं। बहुत कम फॉर्चुनेट हाउस होल्ड्स हैं जहाँ इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, वहाँ के बच्चे बिल्कुल दूसरी तरह के होते हैं, वो वैल्यू सिस्टम ही दूसरा है। इसीलिए आज हमारे यहाँ बीमारियाँ इतनी बढ़ी हुई हैं कि वी हार्डली फाइंड ए पर्सन हु इज नॉट सिक। और ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आसानी से नहीं होती। हम में से हर कोई, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी के साथ हार्ट प्रॉब्लम है, किसी के साथ बीपी की प्रॉब्लम है, मैं क्यों शूट कर रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एट पीस, मेरे अंदर शांति नहीं है। और जब मेरे अंदर शांति नहीं है तो जैसा एक बड़ा मशहूर मकूला है, ए मैन एट पीस विद हिमसेल्फ इज एट पीस विद अदर्स। जब मेरे अंदर शांति नहीं है तो मैं चारों तरफ अशांति ही फैलाता हूँ। और मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्यों हूँ फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मेरी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, मेरी डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई है, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू यू नो मीट द टू एंड्स, मैं कर नहीं पा रहा। तो मैं गुस्से में हूँ तो मैं हर एक से कड़वा बोल रहा हूँ, मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं अपने आप को डैमेज कर रहा हूँ। हर हर सेकेंड मेरे अंदर से कुछ अंश मेरे मर रहे हैं, मेरे अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, ये ऑटो पॉइजनिंग है, मैं अपने आप जहर पी रहा हूँ, विष पी रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इस तरह की चीज़ें सोचता हूँ तो मैं एक्चुअली अपने खात्मे की तरह बढ़ रहा हूँ, आई एम इन्वाइटिंग माई डेथ एंड माई सफरिंग आई वुड से। दूसरा जो हुक्म हमें दिया जाता है कि आप बुराई को उस तरीके से दिफा कीजिए जो बेहतर हो, रिपेल द ईविल विद समथिंग दैट इज बेटर, ये हुक्म है हमें। यानी
बुराई के बदले में बुराई नहीं करना. वी डोंट हैव टू रिएक्ट. बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देंगे बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती. किसी एक ने गाली दी, आपने उससे बड़ी गाली दी, उसने एक थप्पड़ मारा, आपने दो थप्पड़ मारा, झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे. ठीक है ना, कहा बुराई के जवाब बुराई से ना दें बल्कि बेहतरीन भलाई से दें. एक आदमी बहुत गुस्सा कर रहा है, आप रिएक्ट मत कीजिए, चुप खड़े रहिए. जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए आप कहिए प्लीज सिट डाउन रिलैक्स. उसके लिए पानी ला के दीजिए, उसको जूस ला के दीजिए. वो हो सकता है उस वक्त फेंक दे, नहीं मुझे नहीं चाहिए ले जाओ. फिर बैठे रहिए आराम से, उसको वेट कीजिए कूल होने का, फिर उसको कुछ ऑफर कर दीजिए. ठंडा होने के बाद थोड़ी देर बाद कहेगा यार आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, बात खत्म हो गई. आप गुस्से के जवाब में उससे बड़ा जुमले उसे बोलेंगे, उसने आपको बुरा कहा, आप उसकी फैमिली को, पूरी कास्ट को, उसके धर्म को बुरा कहने लगेंगे, नफरतें बढ़ती चली जाएंगी. नफरतें खत्म करने के लिए, बुराई खत्म करने के लिए बुराई का जवाब भलाई से देना होता है. ये कुरान का हुक्म है, उसी तरह जिस तरह नमाज रोजे का हुक्म है. हाउ मेनी ऑफ अस प्रैक्टिस इट. नमाज फर्ज है, एहतमाम करते हैं, ये आयत भी फर्ज है. और आगे मैं इस प्रेजेंटेशन में प्रूफ कर दूंगा कि किस तरह फर्ज है. इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस. आप सोचिए कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा जब हर लोग इस तरह की बात सोचेंगे कि हर एक की इज्जत करनी है, किसी को बुरा नहीं कहना, जबान से हमेशा अच्छी बात निकालनी है, किसी की परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को बुरा नहीं कहना है, कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है. इट इज ए ड्रीम सोसाइटी मैन. क्या समाज वजूद में आएगा जब इस तरह की चीजें होंगी. लेकिन मुस्लिम समाज तो वही होगा. और मुस्लिम कौन रहता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये अरबिक वर्ड है जिसके रूट वर्ड्स हैं सीन लाम मीम. इसमें क्रूशियल मीनिंग जो है वो सबमिशन की है. यानी जो कोई भी ईश्वर और परमात्मा के डिवाइन ऑर्डर्स को फॉलो करता है वो मुस्लिम है. सिंपल. जो इन अहकाम को मानेगा, इन हुक्म को मानेगा, प्रैक्टिस करेगा. और हमारे से कितने अच्छे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इन चीजों को करते हैं, उनको आप मुस्लिम कहें ना कहें दे आर मुस्लिम. देखिए अब ये मजाक से मुतालिक से कितनी अहम आयत है कि ये लोग जो ईमान लाए हो ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि उनसे बेहतर हो. मजाक उड़ाने को क्यों मना किया है, क्योंकि अगेन वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीबॉडी. जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसकी किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, यू टियर इट अपार्ट, तो यू हर्ट द पर्सन. उसके अंदर उसे तकलीफ होती है, इसको मना किया गया. यू हैव टू रेस्पेक्ट एवरीबॉडी. तो मजाक उड़ाते हैं तो उसकी अना को ठेस पहुंचती है. ही और शी फील्स हर्ट. और वो हमें नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है. तो मजाक मत उड़ाइए, ताने मत दीजिए, सरकास्टिक मत होइए, कमेंट मत कीजिए, और बुरे नाम मत दीजिए. यानी कोई अगर काला है तो उसको कल्लू मत कीजिए. इट हर्ट समवेयर. उसके ऐप के बिना पे, उसके ऐप के बेसिस पे या उसकी किसी डेफिशिएंसी के बेसिस पे उसको निक नेम्स मत दीजिए. इसको मना किया जाए कि ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है. फिस्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो लिमिट्स बना रखी हैं, उन लिमिट्स को क्रॉस करने वाला फासिक कहलाता है. व्हेन यू क्रॉस द लिमिट्स, लिमिट्स क्या यहाँ डिफाइन हो रही है, रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, ऑलवेज स्पीक गुड, डोंट रिएक्ट, डोंट रिप्लाई एनीथिंग ईविल विद ईविल. हम मैचिंग ईविल देखते हैं, कभी कभी और ज्यादा ईविल कर देते हैं. रेस्पेक्ट एवरीबडी, हर एक की इज्जत, ये सब चीजें वो हैं जो डिफाइन करती हैं बाउंड्रीज फॉर अस. एंड इफ यू ब्रेक दीज बाउंड्रीज देन कुरान सेज कि हम लोग फासिक हैं. इसको फिस्क कहा जाता है, आप लुगत में देख सकते हैं. अगर कुछ शक हो, शक करने को मना किया जाता है, एक दूसरे बहुत गुमान मत करो. ये कहता है कुरान के कभी कभी कुछ शक तो ऐसे हैं जो गुनाह के दायरे में आ जाते हैं. हम बहुत शक करते हैं, वो फलां का, वो पड़ोस का बच्चा, वो कहाँ जाता है रात को बड़ी देर से, उसकी लड़की कहाँ जाती है, वो उसके साथ जा रही थी, वो उसके साथ जा रहा था. ये सब चीजें बदगुमानी है, एक मिसट्रस्ट का रिलेशनशिप में एक फॉगी एनवायरनमेंट पैदा कर देता है. वी शुड नॉट डू इट, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर असैसिनेशन का पार्ट है. आप किरदार कशी करते हैं, किसी को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसको या उसकी फैमिली को, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट फील होती है, उनकी बेइज्जती होती है. और हमें हुक्म है कर इंसान की इज्जत करनी है. तो एक बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल दे के लकत कर रहा ना बनी आदम के रेस्पेक्ट एवरीबॉडी. फिर कुरान डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से उस रेस्पेक्ट को आपको मटेरियलाइज करना है, इफेक्टिव बनाना है, जिसके लिए ये हुक्म है हमारे लिए कि बदगुमानी मत कीजिए, शक मत कीजिए. और दूसरी बात यह है कि
कुरेद में मत लगा रहा कीजिए, जो कुरेद में लगे रहते हैं ना ये कौन कहाँ क्या कर रहा है, वाला तजस्सुस जुस्तुजु में मत लेकर रहो लोगों के पीछे को क्या कर रहे हैं, माइंड योर बिजनेस, लेट द पीपल बी फ्री, जो जो कर रहा है उसे करने दो, हिसाब लेना उसका काम है, मेरा हिसाब नहीं है, तो मैं क्यों ट्रैकिंग करता हूँ किसी की कौन क्या कर रहा है, कुरान मना करता है इसके लिए। और बैक बाइटिंग मत कीजिए, गीबत कहते हैं किसी के पीछे उसकी बुराई करना, हमारा मेजर सोशल कंजम्पशन इसी चीज का है, किसी को फोन करते हैं मिलते हैं तो थोड़ी देर थोड़ा गुडीज के बाद ये किसी का जिक्र आ जाता है, वो देखो यार वो हमारे बॉस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, किसी सुपीरियर का, यूजुअली हमें शिकायतें अपने सुपीरियर से होती हैं या अपने लाइफ पार्टनर से होती हैं या मेरे जैसे बूढ़े लोगों तो कभी कभी अपने बच्चों से होती हैं, सोसाइटी से होते हैं कि यार देखो ये इसने यूं किया, तो हम जब किसी की बुराई, क्योंकि किसी का कोई बुरा बात कहनी है तो उसके सामने कहिए ताकि उसको काउंटर कर सके या आपको क्लैरिफाई कर सके अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप किसी के बारे में आपने अज्यूम कर लिया कि ये आदमी ऐसा है और वो एक्चुअली ना हो ऐसा, आपने उसे गलत समझा, अब उस चीज को आप प्रोपेगेट अगर सोसाइटी में कर रहे हैं तो आप उसकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए, ये उसी फंडामेंटल ऑर्डर और प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि हमें हर इंसान की इज्जत करनी है। तो उसकी जुस्तुजू में मत लगे रहिए, उसकी पीठ पे बुराई मत कीजिए, और इस चीज को इतना बुरा गुनाह कहा गया है कि कुरान ये कहता है कि जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, और खुद कुरान कहता है कि देखो तुम्हें इसको सुनने में भी घिन आ रही है ना, घृणा हो रही है, डोंट डू इट, ये उतना ही बुरा है जैसे तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, बोलने में बुरा लग रहा है, तो फिर हम पीछे किसी की क्यों बैक बाइटिंग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा दिल फट रहा है, मुझे अपने दिल को ठंडा करना है। ये जो चीज है, ये जो अंदर का जानवर है, इसको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और उसको कंट्रोल आप इसी तरह कर सकते हैं कि जब आप ये बात याद रखें कि जब भी आप ऐसा करते हैं, गुनाह करते हैं, आप कुरान की तकजीब करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, ये सारे इल्जाम आपके ऊपर लगते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये गलत काम करके इंडियन पीनल कोड की दिफात आपके ऊपर लगती है ना कि इस दिफा के तहत आपकी ये चार्जेस हैं, कुरान के अहकाम पे भी जब आप खिलाफ जाते हैं तो आप पे चार्जेस लगते हैं, और वो उस दिन लगेंगे जो द डे ऑफ रेकॉर्डिंग है, क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब लिया जाएगा, तो ये सब चार्जेस हमारे सामने होंगे कि तुमने ये किया था, और आप इमेजिन कीजिए ये वो चीज़ें हैं, ये वो कैरेक्टर है, ये वो बिहेवियर है जो हमें 24 घंटे चलाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आदत बना ली है कि वो बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, हर एक को क्रिटिसाइज करेगा, क्रिटिकल होगा हर चीज़ के लिए, किसी को ना हेल्प करता है ना अच्छा करता है, तो वो 24 घंटे इस गुनाह में मुब्तला है, भले ही चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे सो कॉल्ड इबादतों में गुजारता हो, क्योंकि इबादत देखिए क्या है, इबादत सिर्फ नमाज रोजा तस्बीह मुसल्ला नहीं है जो आमतौर से समझा जाता है और हमें समझाया जा रहा है बरसों से, सैकड़ों साल से, कुरान के हर हुक्म को फॉलो करना इबादत है, जिस चीज को आप फॉलो नहीं करते वो बगावत है। तो जब आपने ये नेचर अपनी बना रखी है तो 24 घंटे तो आप गुनाह मुसलसले में मुब्तला है, थोड़ी देर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं तो आप खुद वर्कआउट कर लीजिए बैलेंस शीट कम किस तरफ जा रहे हैं। एक बहुत फंडामेंटल हुक्म है कुरान का, बड़ा सिंपल, कि वाहसिनु, एहसान करो, डू गुड टू अदर्स, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिन, अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने। अब आप देखिए कितना बड़ा रिवार्ड है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, कौन नहीं चाहेगा कि प्रभु परमेश्वर ईश्वर उससे मोहब्बत करने लगे, वो करेगा, उसने कहा है बशर्ते कि यू डू गुड टू अदर्स, एहसान करो, अच्छा बोलो, अच्छे काम करो, विद योर डीड्स विद योर वर्ड्स सर्व पीपल, उनकी सेवा कीजिए, बोल के कीजिए या काम से कीजिए, एहसान करो, एहसान का मामला करो। और आगे एक और तोहफा कुरान बताता है कि अल्लाह की रहमत, द मर्सी ऑफ गॉड इज नियरर टू दोज हु डू गुड टू अदर्स, अगर हम अच्छा करते हैं दूसरों के साथ, उनसे अच्छा बोलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जैसे इस वक्त ऐसे क्राइसिस का वक्त है, इसमें विनर्स वो हैं जिन्होंने अपने बजट्स काट के उन मजदूरों को जो सड़क पे नंगे पैर चले जा रहे थे उनको चप्पलें पहनाई, उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनसे प्यार किया, उन्हें गले लगाया, अपना पेट काट के, अपने बजट काट के, दे आर द विनर्स। और इसमें लूजर्स वो तमाम लोग हैं जो अपने आप को सैनिटाइज करते रहे, मास्क लगाए, घर में कोठरी में अपने आप को बंद करे रखे रहे और किसी दूसरे के लिए नहीं सोचा, उनका दिल नहीं फट गया उन लोगों के लिए जो सड़क पे चलते चलते मर के गिर रहे हैं। बहुतों ने बहुत कुछ किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड पीपल, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुल्क में इंसानियत जिंदा है,
इतनी नफरतें फैलाने के बाद भी इस मुल्क में मोहब्बतें जिंदा हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, इंसानियत जिंदा है। और आप यकीन रखिए, मुझे इस मामले में बिल्कुल पक्का यकीन है कि जब तक इंसान है उस वक्त तक इंसानियत है। अगर नफरतें फैलती हैं तो हमें मोहब्बतें बढ़ाने दी चाहिए। अंधेरा बढ़ता है तो लाइट बढ़ाई जाती है। मोहब्बतें बढ़ाइए, नफरतें खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। अब देखिए, इस बात के बाद मैंने सबसे क्रूशियल वर्स ही आपके सामने रखा है, सूरह कसस के 85 कि इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लरद्दुका इलमात, बेशक वो हस्ती जिसने तुझ पर कुरान फ़र्ज किया है तुझे एक अंजाम को पहुँचाने वाला है। यहाँ साफ लिखा है कुरान हम पे फ़र्ज है। कुरान फ़र्ज है यानी उसका हर हुक्म फ़र्ज है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज नहीं है। ये तो वो 3.5 आयतों का इस्लाम है जो आज इस्लाम के नाम पर चल रहा है। रियल इस्लाम यह है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह एक नमाज छोड़ने वाला गुनाहगार है, रोजा छोड़ने वाला गुनाहगार है, उस तरह बुरा बोलने वाला गुनाहगार है, दूसरे के भगवानों का मजाक उड़ाने वाला बुरा है, नफरतें फैलाने वाला बुरा है, क्योंकि उसका गुनाह भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना नमाज रोजा छोड़ने का गुनाह है, ज़कात छोड़ने का गुनाह है। क्योंकि कुरान में कहीं आप एक आयत मुझे नहीं दिखा सकते जो ये कहती हो कि ये आयतें ऊपर हैं और इनको पहले फॉलो करना है नमाज, रोजे, ज़कात की, और बाकी तमाम आयतों को आप बाद में डाल दीजिए, आपकी सेकेंड चॉइस होगी। नो, कुरान क्या कहता है, हम पे फर्ज है कुरान। और बात से फर्ज की नहीं है, अगली वर्ष क्या कहती है कि तबेउ माउनजिला अलैकुम मिन रब्बिकुम, फॉलो व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम योर सस्टेनर, इत्तेबा करो, इसकी फॉलो करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास किताब भेजी है, गाइड बुक भेजी है, हिदायत की किताब भेजी है। और आगे वजाहत की गई, वला तत्तबे मिन दुनिही औलिया, किसी और औलिया की इत्तेबा नहीं करनी, लेकिन जो कि खालिक है हमें पहचानता है, इसलिए ये भी उसने लिख दिया कि तुम कलील मादा जक्रून, तुम नसीहत कम ही मानते हो, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हो तुम लोग। और ये फैक्ट है, जब हम कुरान को नहीं समझते तो हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं, जो हमारे समाज में होता है, खानदान में होता है, या जो मेरे मन में आता है। और उसके बाद भी ये सवाल नहीं करता कि क्या मैं ठीक जिंदगी गुजार रहा हूँ, हमारे अंदर राट पात। आप जब ड्राइव करने निकलते हैं किसी अननोन ट्रैक पे, रास्ते पे, तो 10 दफा GPS चेक करते हैं, क्या हमने अपनी ज़िंदगी में इस GPS को देखा है कि क्या मेरे रास्ते, मेरे तौर तरीके, मेरे मैनरिज्म, मेरा बिहेवियर, मेरी डे टू डे लाइफ कुरान के हिसाब से है क्या? क्या जैसा ईश्वर परमात्मा चाहता है मैं वैसा बन रहा हूँ? ज़बानी में कहता हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के नाम पे बनने को तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के अहकाम पर ज़िंदा रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अहकाम ही नहीं पता। इसीलिए वी आर ऑल पैकेट्स ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि ये पॉजिटिविटी को हमने दीन समझा ही नहीं है। हमारी दीन नमाज रोजा है, एक नया इस्लाम जो चल रहा है, ए प्रीवेलेंट इस्लाम विच इज नॉट रियल इस्लाम। रियल इस्लाम में ये चीजें हैं। देखिए मैं आपको फिर ये बताऊं कि कोई ये ना समझे कि मैं नमाज रोजे की अहमियत को कम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहना है कि जो अहमियत हमने नमाज रोजे को दी है, ज़कात को दी है, हज को दी है, वो इन तमाम अहकाम को देनी चाहिए थी। या मुझे डिसप्रूव कर दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए, कुरान से ये बता दीजिए या रसूलुल्लाह की सीरत से दिखा दीजिए। आपने इस्लाम फैलाया अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से, अपने मामला से। वी आर फॉरगेटिंग इट। उनका जो नॉन मुस्लिम के साथ बिहेवियर था, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ही वॉज डिफेंसिव ऑल थ्रू हिज लाइफ। उनकी जो बैटल्स भी है, हिस्ट्री का पार्ट है, वो डिफेंसिव थी, इट वॉज नेवर ऑफेंसिव। एक्सपेंशनिस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं था, हिस्ट्री मौजूद है आज भी। फिर हम क्या कर रहे हैं और क्वेश्चन क्यों नहीं करते? हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट्स तो होते ही हैं, टीचिंग में आते हैं तो इतने डिग्रीज ले ली, और बेसिक क्वेश्चंस हम नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। और आखिरी बात जो इसमें इस सिलसिले की आखिरी आयत मैं आपको दिखाऊंगा कि सूरह फातिहा में हर नमाज में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, शो अस द राइट पाथ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, 1400 साल से जवाब रखा हुआ है कि वन हाज़ा सिरात मुस्तकीम फत्तबिउहू, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तेबा करो। उस सीधे रास्ते को हमने बंद करके जुजदान में लपेट के बहुत ऊपर रख दिया। इस्लाम के नाम पे नमाज, रोजा, ज़कात चल रही है, इसीलिए वो पॉजिटिविटीज खत्म हो चुकी है, इसीलिए नेगेटिविटीज आ गई हैं। ना सिर्फ इम्यून सिस्टम बल्कि स्पिरिचुअली हम बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो हमें जब तक, क्योंकि ये बात सिर्फ इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ की नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी और सर्वाइवल की भी। क्योंकि खास तौर से आज मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, इस पे वेबिनार्स भी हुए हैं, कि इन सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इतनी नफरतें फैल रही हैं, हम क्या करें?
मैं कहता हूँ जो कुरान कहता है वो करो, नफरत के जवाब में मोहब्बत दो, सर्व पीपल, दिल जीतिए उनके। हम लोग कम्युनिटीज से अलग होते चले जा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन। मैं अपनी जिंदगी के 50 साल होश आवाज से मुझे याद हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से अलग किया है। वी मस्ट चैलेंज, हमें हर समाज हर सोसाइटी से मिलकर रहना है। मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि मेरे दोस्त भी मुसलमान हो, मेरा नेबरहुड भी मुसलमान हो, हर एक के साथ मिलिए। हम इंसान हैं और ये कुरान का हुक्म है। कुरान कहीं ये नहीं कहता कि आप गैर मुस्लिम से डिस्कनेक्ट हो जाइए, बल्कि वो तो यहां तक कहता है, आप में से बहुत से शायद ये सुनकर हैरत हो कि कुरान में दो जगह ये बात क्लियरली कही गई है कि किसी ग्रुप में अगर अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उन्हें बुरा कहा जा रहा हो, उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, तो जब तक वो इस टॉपिक को चेंज ना करे तुम उनसे अलग हट जाओ और उसके बाद फिर जुड़ जाओ, और अगर तुम भूल जाओ तो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला। यानी जो लोग डेफिनेटली डिसाइडेडली एक तरह से एंटी प्रॉफिट एंटी अल्लाह हैं, उनसे भी डिस्कनेक्ट होने को कुरान मना नहीं कर रहा, क्योंकि इंसानियत के रिश्ते बड़े हैं। आपको उनसे जुड़ के रहना है, उनके साथ रहना है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, क्योंकि कुरान कहीं पे भी जो अच्छे हुक्म है एहसान करने के, अच्छा बोलने के, बुराई का जवाब भलाई से देने के, उसमें ये एक्सेप्शन नहीं दिए कि ये काम सिर्फ मुसलमानों के लिए करना, हिंदुओं के साथ नहीं करना, ईसाइयों के साथ नहीं करना, सिखों के साथ नहीं करना। कुरान एड्रेसेस ह्यूमैनिटी, कुरान ह्यूमैनिटी के लिए है और ह्यूमैनिटी को ही गाइडिंग प्रिंसिपल्स देता है जस्ट टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। हमें अच्छा इंसान बनाता है, जो हमारे अंदर जानवर है ना जो उफलता रहता है, इसको दबाने की टैक्टिक्स हमें सिखाता है। गुस्से को रोको, माफ करो, रिएक्ट मत करो, बुराई के जवाब बुराई से मत दो। जब ये आप करेंगे तो ये जानवर कमजोर पड़ता चला जाएगा और वही वो सेंटहुड होती है, या जो हम संत लोग कहते हैं, या महान आत्मा जिनको कहा जाता है, या जिनको हम वली अल्लाह कहते हैं, नेक लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते। उनके पास सिवाय आशीर्वाद और दुआओं के कुछ नहीं होता कि सुखी रहो खुश रहो। आप कुछ भी कर लीजिए उनके साथ। हर इंसान को ऐसा होना है क्योंकि ये गाइडलाइंस उन्हीं के लिए है। तो ये चीजें सिर्फ ना सिर्फ ये कि हमें स्ट्रांग बनाती हैं स्पिरिचुअली भी, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। और अगर हम सब अच्छे इंसान बनेंगे तो एक अच्छा समाज बनेगा, जिस सब खुशी से सुख शांति से रहेंगे और मिलके प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के काम जब भी हो सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, बट दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे यहाँ, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना वायरस की नहीं है, नफरत के वायरस की भी जो फैल रही है उसको टैकल कैसे करना है। ये ईश्वर वाणी थी, परमात्मा की बात थी, अल्लाह ताला का हुक्म था कि इन चीज़ों से कैसे टैकल करना है। आई हैव मेड ए हम्बल सबमिशन बिफोर यू ऑल। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। बहुत शुक्रिया आपका, खास तौर से चोगले साहब का, उन्होंने ये मौका दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर मैनेजमेंट समझे और वक्त हो तो मैं हाजिर हूँ आपके सवाल के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Over to you, the host. Hello. Hello. Jazakallah sir, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बात बताई हम लोगों को, अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक दे इसके बारे में। नाउ आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी को कोई कुछ पूछना है आप क्वेश्चंस टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स